Hey guys, finally we are back with another video. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे RAM क्या होता है और RAM के regarding जो भी concepts है, जैसे कि DDR, आपने सुना रहेगा DDR2, DDR3, DDR4, ये सब क्या होता है और साथ ही साथ 2019 में कितना RAM हमें चाहिए, कितनी RAM की ज़रूरत है और ज़्यादा RAM होने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, वो शॉर्ट और डिटेल में मैंने आपको समझा है. सो गाइस, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है. इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल स्टोरेज में हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो परमानेंट रहता है, लेकिन रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया है वो परमानेंट नहीं रहता है. रैम की जो स्पीड रहती है वो बहुत हाई स्पीड रहती है कंपेरेटिवली SD कार्ड इंटरनल स्टोरेज के. सो रैम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो CPU के जाने के पहले रैम में आती है और रैम उसे CPU के पास एकदम हाई स्पीड में भेजता है. तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझा दूँ तो एक ऑफिस में एक आदमी काम कर रहा है, उसको कुछ फाइल्स की ज़रूरत है. तो वो फाइल रूम में गया, उसने फाइल लाया, तो वैसे उसको बहुत सारे फाइल की ज़रूरत है तो उसने बहुत सारे फाइल्स अपने आजू बाजू में रख दिया और जो भी फाइल्स की उसको नीड है वो लेता है और काम करता है. तो इसका सिंपल एग्जांपल का मतलब ये है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन करते हो तो सबसे पहले वो रैम में जाता है, उसके बाद रैम उसे CPU में भेजता है. तो जितने भी मल्टीटास्किंग आप परफॉर्म कर पाते हो आपके स्मार्टफोन में, उसका यही रीज़न है कि रैम उसे बैकग्राउंड में रखता है. सो आप समझते हैं DDR क्या होता है. सो आपने सुना रहेगा DDR2, DDR3, DDR4. तो ये DDR एक स्पीड है, जैसे कि प्रोसेसर की एक क्लॉक स्पीड होती है उसी तरीके से जो DDR कंसेप्ट है रैम का वो उसकी क्लॉक स्पीड है. फॉर एग्ज़ाम्पल 800 MHz, 1000 MHz. तो ये DDR2 जैसे कि 800 MHz हो गया आप समझो, और बाद में DDR3 है वो 1000 MHz है. वैसे ही जो स्पीड होती है रैम की वो बढ़ते रहती है तो उसको DDR बोलते हैं. सो अभी समझते हैं कि कितना रैम हमें अभी समझते हैं 2019 में हमें कितना रैम एक्चुअली चाहिए. तो बेसिकली मेरे मानने में यह है कि 4GB रैम की नीड तो अभी स्मार्टफोन्स में है ही. फॉर एग्जांपल आप एक भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो तो मिनिमम 300 MB तो रैम खाता ही है. सो अगर जितना रैम आपके स्मार्टफोन में रहेगा उतना लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा. बेसिकली रैम का जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन आप ओपन रखते हो वो रैम के मदद से ही ओपन रहता है. रैम ही एक वैसा मीडियम है जो हाई स्पीड में एप्लीकेशंस को ओपन करता है और CPU के पास फटाक से डिलीवर करता है. तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस वर्क होता है. तो रैम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा. तो इसके लिए आजकल के स्मार्टफोन्स 12GB रैम तक भी चले गए हैं. तो इसका यही मेन रीज़न है, अगर आप अभी भी 8GB रैम जितना स्मार्टफोन ले लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही फ़ायदा है. तो गाइस अभी एक समरी, रैम जैसे कि एक वोलेटाइल मेमोरी है. अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन है वो रैम के वजह से ही है. अगर वो एप्लीकेशन को अगर आपने फ़ोन को रिस्टार्ट किया तो जो एप्लीकेशन ओपन है वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएंगे, फिर से रैम में लोड होंगे. सो DDR क्या होता है, जैसे कि आपको बताया मैंने, जो क्लॉक स्पीड होती है रैम की वो DDR होती है. और कितना रैम ज़रूरी है, तो जितना ज़्यादा रैम आप लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर करिए. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग.